हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक फैसला दिया, वो है सम्मान के साथ में मौत का हक। सम्मान के साथ में मौत का हक, इच्छा मृत्यु को सशर्त मान्यता दी सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा भी कहा कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ में मरने का अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई कानून बनने तक ये जो दिशा निर्देश है वो प्रभावी रहेंगे। इसमें ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जब वो जीवित है तो वो अपना मृत्यु पत्र लिख सकता है, इच्छा मृत्यु पत्र लिख सकता है, लिविंग विल लिख सकता है, जिसमें वो लिख सकता है ऐसा है कि भाई मुझे कोई बीमारी ऐसी हुई कि जो बीमारी से मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं कोमा में हूँ जहाँ से मैं ठीक नहीं हो सकता, या ऐसी एक स्थिति है कि अभी मरने वाला हूँ मगर अभी मर नहीं रहा हूँ, तो उस समय जो सपोर्ट वेंटिलेटर्स है या सपोर्ट सिस्टम है या जो भी कोई चालू है उसको जीवित रखने के लिए वो निकाली जाए। तो ऐसी लिविंग विल उसने करके रखी है, इच्छा मृत्यु पत्र लिख के रखा है, तो फिर वो मृत्यु पत्र मेडिकल बोर्ड को सौंपा दिया जाता है और मेडिकल बोर्ड उसके ऊपर निर्णय लेगा और वो सपोर्ट सिस्टम निकाली जाएगी और व्यक्ति को मरने देंगे। मगर ऐसी कोई चिट्ठी उसने लिखी नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति जो कोमा में है जहाँ से ठीक नहीं हो सकता, या ऐसी स्थिति में है कि जहाँ से वो ठीक नहीं होने वाला, ऐसी बीमारी है, तो फिर उसके परिजन और ट्रीटिंग डॉक्टर्स, जो ठीक करने वाले डॉक्टर्स है, वो मिल के मेडिकल बोर्ड को वो रिकमेंड कर सकते हैं और मेडिकल बोर्ड इसका निर्णय ले सकता है कि भाई व्यक्ति की सपोर्ट सिस्टम या वेंटिलेटर निकाले जाए और उसको मरने दिया जाए। तो जब तक ये कानून बनता नहीं तब तक ये जो है ये निर्देश जो है वो प्रभावी रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के। तो इसमें ये मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ये ऐसा आ सकता है कि भाई जिनको आत्महत्या करने की है वो ऐसा लिख के रखेंगे और बोलेंगे अभी हमको कोई बचाओ मत और हमको मरने दो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें आ सकता है। ये जो इच्छा मृत्यु है कि भाई सम्मान के साथ में मरने देना, इसमें दो प्रकार है। एक है एक्टिव यूथनेसिया, जिसमें उसको जहरीला इंजेक्शन देके उसको जो व्यक्ति है उसको मार दिया जाता है जिसको ऐसी बीमारी है, एक्टिव यूथनेसिया, जो हमारे यहाँ हमारे देश में गैरकानूनी है। और दूसरा है पैसिव यूथनेसिया। पैसिव मतलब कि उसके जो सपोर्ट सिस्टम है वो निकाल दो। तो पहले ऐसा था कि भाई नहीं, एबॉर्शन जो है वो ठीक नहीं माना जाता अपने इसमें, मगर अभी एबॉर्शन को भी मान्यता दी हुई है, क्योंकि यदि माँ की तबीयत यदि ख़राब हो सकती है वो डिलीवरी होके, तो फिर एबॉर्शन लीगलाइज कर दिया गया है कि माँ की तबीयत को, मतलब माँ के जीवित को यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो एबॉर्शन अलाउड है। तो वैसे ही इसमें कुछ होगा कि भाई जब तक मतलब उसने लिख के रखा हुआ है और अभी मरना मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं है, जो व्यक्ति ऐसा लिख के रखता है उसको मरना प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसको जीवित रहने का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जीवित रहना उसके लिए बहुत तकलीफदेह हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को आराम से मरने दो भाई। तो ये जरूर एक अच्छा कदम है, क्योंकि 42 साल तक अरुणा शानबाग KM हॉस्पिटल में एक नर्स थी और 42 साल तक वो कोमा में थी, मगर उस समय ये कानून नहीं था इसलिए उसको कुछ नहीं कर सके। 2015 में उसकी डेथ हुई, जब मालूम था कि ये कुछ ठीक होने वाली है नहीं, मगर उसको कुछ नहीं कर सके, सपोर्ट सिस्टम थी, सब उसकी केयर ले रहे थे और 42 साल तक वो जीवित रहे। क्या फ़ायदा है सर, मतलब कि वेजिटेटिव स्टेट में जीवित रह के भी फायदा नहीं है। तो ऐसे इसमें ये कर सकते हैं लोग और मेडिकल बोर्ड ऐसा डिसीजन ले सकता है। ये जो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ ताकि लोगों को इसका मतलब एजुकेशन हो जाए। मेरे ही परिचित ऐसे 3-4 लोग ऐसे हैं कि अभी जो लोगों को मतलब ऐसा पैसिव यूथनेसिया किया तो अच्छा है, मगर लोग भावना में आके नहीं करते वैसा, नहीं नहीं ऐसा कैसा करेंगे, लोगों को डर भी लगता है कि कानून हमको मालूम नहीं है, कुछ एक्शन लेंगी पुलिस। तो पैसिव यूथनेसिया में यदि उनके परिजन और डॉक्टर ऐसा निर्णय लेते हैं तो उसको भी कायदे की मान्यता है, मिल जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो
आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, बेल का बटन आएगा, मतलब बेल का चिन्ह आएगा, उसके ऊपर प्रेस करो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और एडिक्शन फ्री इंडिया, व्यसन मुक्त भारत, उसमें भी आपका हाथ लग जाएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।